बात करना चाहूंगी आज एनीमिया को लेके, जिसे हम खून की कमी कहते हैं। तो शरीर में ये खून की कमी हो कैसे जाती है, इसके एक तो कारण जानना चाहूंगी और नुस्खा क्या कुछ हो सकता है। देखिए, खून की कमी ज्यादातर महिलाओं में होती है जी और महिलाओं का ब्लड लेवल पुरुषों से 2% 2 पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए और अक्सर उनका एच बी पुरुषों से 2 पॉइंट कम रहता है। और इसमें एक तो ये बात कि महिलाओं को जो मंथली प्रसाव होता है उसमें काफ़ी खून ज़ाया होता है, निकल जाता है, और जबकि पुरुषों को ये परेशानी नहीं होती। तो इसलिए भी कि महिलाएं अपना ख्याल बहुत कम रखती हैं और पूरे परिवार का ख्याल ज़्यादा रखती है। अच्छा, फिर महिलाओं पर और जिम्मेदारियाँ कि फिर शादी हो गई, बच्चा हो गया तो बच्चा दूध पीता है, जबकि पुरुषों को दूध नहीं पिलाना पड़ता, बच्चों को महिलाएं पिलाती हैं, तो इससे भी कमी आती है। कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखती, या जितनी डाइट और जितने खून बनाने के गिजाएं या दवाएं, यानी खुराक खाना या दवा लेनी चाहिए, उतनी नहीं ले पाती। और एक हिंदुस्तानी महिला अपने परिवार के तहत पहले अगर माँ के घर है तो माँ का ख्याल, भाई का ख्याल, बाप का ख्याल, और पति के घर चली गई तो हस्बैंड का ख्याल और सास का, ससुर का ख्याल, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को वो भूल जाती है। और खून बनने के लिए जहाँ एक अच्छी डाइट की ज़रूरत है, ऐसे फलों की ज़रूरत है जो लाल लाल से होते हैं, सुर्खी माइल होते हैं, जैसे सेब है, संतरा है, टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ। ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनका लीवर अच्छा रहे। तो इन दो बातों का अगर ख्याल रखे महिला, एक ऐसी खुराक जिससे खून उनका पुरुषों से 2 पॉइंट ऊपर रहे, और एक ये कि हमारे जिस्म में लीवर का काम है खून बनाना और लीवर का ख्याल रखें, तो ज़रूर महिलाओं का और या पुरुषों को भी अगर ये प्रॉब्लम होती है तो कम होती है, तो पुरुष भी अगर इन बातों का ख्याल रखें तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।